आप सभी लोगों को नमस्कार। तो हम लोग अपना एरोमेटिसिटी का अगला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। वैसे इम्पोर्टेंट तो सारे ही लेक्चर्स थे, लेकिन ये थोड़ा सा रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, उसमें रिएक्शंस पढ़ने हैं। तो कहीं ना कहीं हम आज एरोमेटिक केमिस्ट्री और रिएक्शंस को थोड़ा सा रिलेट करना स्टार्ट करते हैं। मतलब क्या क्या रिएक्शंस कंडीशंस हो सकती हैं, क्या क्या वो रिएक्शन की बातें हो सकती हैं जिसकी वजह से कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक बन सकता है। तो अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट बातें बताऊं तो जिसमें सबसे पहला होगा आपके पास बाय रिमूवल ऑफ प्रोटॉन्स। सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोटॉन को रिमूव करके किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक बना सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा होता है वो होता है बाय रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक लीविंग ग्रुप। अब ये आखिरकार न्यूक्लियोफिलिक लीविंग ग्रुप क्या होता है, जब हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे तब मैं आपको समझा रहा हूँगा। न्यूक्लियोफिलिक लीविंग ग्रुप। अगला जो होता है वो हमारे पास होता है बाय इलेक्ट्रोफिलिक प्रोटोनेशन। इसकी वजह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एरोमेटिसिटी सिस्टम में लेके आ सकते हैं बाय इलेक्ट्रोफिलिक प्रोटोनेशन। जो फोर्थ पार्ट होता है हमारे पास वह होता है बाय स्ट्रक्चरल चेंज इन प्रोडक्ट्स, बाय स्ट्रक्चरल चेंजेस इन प्रोडक्ट। जो भी आपके पास प्रोडक्ट या कंपाउंड रहा होगा उसमें अगर हम स्ट्रक्चर चेंज करें तो उसकी वजह से भी एरोमेटिसिटी आ सकती है। और जो फिफ्थ पार्ट हमारे पास होता है बाय एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब आप जब भी कोई ऐसे क्वेश्चन देखोगे तो उसमें आपको कहीं ना कहीं यही कुछ कंडीशंस होंगी जो आपको बार बार दिखाई देंगी। तो एक एक करके क्यों ना हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारे पास जो टॉपिक है बाय रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। देखो अगर हम रिमूवल ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रिएजेंट के बारे में आइडिया होना चाहिए कि आखिरकार कौन सी कंडीशन में होंगे। तो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिएजेंट के बारे में आइडिया देता हूँ तो रिएजेंट में आपके या तो एल्कलाई मेटल्स हो सकते हैं LiNa के टाइप के, या फिर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग बेस टाइप का हो सकता है, है ना। आपने सुना होगा KH, NaH, NaNH2 इस टाइप के मतलब बेस होते हैं। ये सभी क्या करते हैं आपके पास, फिर ऐसे ही यहाँ पर Na के, इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो ये आपके पास रिएजेंट कंडीशन है। तो मैं अगर एग्जांपल्स लेना स्टार्ट करूँ तो हमारे पास सबसे पहला एग्जाम्पल कुछ ऐसा है। यहाँ पर आपके पास ये कंपाउंड है और यहाँ पर मान लो हमने दोनों में से कोई कंडीशन ले ली है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपके पास ये वाला जो H है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ से आपके पास कुछ ऐसा सा सिस्टम रह जाएगा यहाँ पर माइनस। मतलब इस सिस्टम से H+ जाना चाहिए, तो हम H+ अगर जाने को दिखाएंगे तो माइनस ऑफ H+ कर दें और यहां से जो ये सिस्टम बनेगा, ये सिस्टम कैसा होगा देखो ध्यान से, दो दो चार और दो छह, तो ये पूरे सिस्टम में कंटिन्यूअस डिलोकलाइजेशन भी है और यह एक सेक्सटेट सिस्टम है, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो हम आसानी से बोल सकते हैं ये सिस्टम कैसा है, एरोमेटिक है। अब लेकिन आखिरकार यहां से यहां वाला कार्यक्रम कैसे हुआ होगा, तो जरा ध्यान से सुनो। अगर हम बेस की बात करते हैं तो बेस में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बेस दुनिया में आता है क्या करने, H+ खाने। तो बेस अगर रखोगे तो वहां पर उसका नेगेटिव पार्ट इस H+ को ले जाएगा। लेकिन अगर हम लोग मेटल लेते हैं तो मेटल किस तरीके से वर्क करता है, इस पॉइंट को भी समझेंगे। जो सोडियम होता है वह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और यह एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। मेटल क्या होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो जो सामने से वहां से H+ निकलेगा वह इलेक्ट्रॉन ले लेगा इस तरीके से और यहाँ पर H2 गैस का लिबरेशन होगा। ये जो H2 गैस का लिबरेशन हुआ है कहीं ना कहीं यही आपको देखने को मिलने वाला है इस रिएक्शन में। तो
मैंने दोनों ही बातें आपको यहां पर बता रखी हैं। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स मैं बताता हूं और किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी मैं आपको बताता हूं। तो अब हम उसी एग्जांपल्स को और अच्छे से बात करते हैं कि रिमूवल ऑफ प्रोटॉन को कैसे समझ सकते हैं। देखो, मैंने आपके सामने सबसे पहला एग्जांपल कुछ इस तरीके से तो लिया ही था, इसको और अच्छे से मैं आपको समझाता हूं। यदि हम यहां पर क्या ले लें, एक पोटेशियम मेटल ले लें, ठीक है, ये आपके पास पोटेशियम मेटल है, तो यहां पर आपके पास ये किस तरीके से कंपाउंड फॉर्म कर देगा, ये कुछ इस तरीके से कंपाउंड फॉर्म कर देगा, माइनस यहां पे ऐसे, और यहां पर इसके साथ क्या रह जाएगा आपके पास, K प्लस आ जाएगा, काउंटर आयन है, प्लस यहां पर हाफ H2 गैस का लिबरेशन हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, ये वाली बात अभी जस्ट हमने जो पिछले समय बात की थी वही है। अब ऐसे कहां कहां पर हो सकता है, तो हम और डिफरेंट एग्जांपल्स ऐसे ले सकते हैं, जैसे मान सकते हो आप कुछ ऐसा वाला कंपाउंड है, इस वाले कंपाउंड में भी आपके पास यहां पर क्या है, ये जो H है यहां से निकल सकता है क्योंकि इसमें भी एरोमेटिसिटी गेन हो रही है, तो जैसे ही आप इस H को निकालोगे तो यहां पर आपके पास माइनस आ जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। तो रीजन में जो रिएजेंट है आपके पास वो दो ही रहेंगे, या तो बेस रहेगा या फिर मेटल रहेगा। ऐसे ही अगर मैं एक और एग्जाम्पल की बात करता हूँ, तो एक और एग्जाम्पल आपके पास कुछ ऐसा हो सकता है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस है। इस वाले केस में भी आपके पास क्या है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, अगर आप रिएजेंट ले लोगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाकर आप यहाँ पर ये वाला कंपाउंड बना सकते हो। तो सारा जो ड्राइविंग फोर्स है वो सारा का सारा ड्राइविंग फोर्स है एरोमेटिसिटी का आना, क्योंकि सभी कंपाउंड में क्या आ रहा है, एरोमेटिसिटी आ रहा है, इस वाले कंपाउंड में भी एरोमेटिसिटी आ रही है, इसीलिए ये चीज फेवरेबल हो पा रही है। तो मतलब हर जगह समझा कर रहे हैं, प्रोटोन को रिमूव कर रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं और एग्जाम्पल की बात करता हूँ, तो आपके पास आपने स्टैंडर्ड एग्जाम्पल पढ़ा होगा जब आपने एसिडिटी बेसिसिटी के क्वेश्चन किए होंगे कभी, तो CF3 सब जगह हम लोग CF3 लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा एग्जाम्पल बन गया है। तो इस एग्जाम्पल में भी क्या है, आपके पास यहाँ पर जो ये H है यहाँ पर रिमूवल ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, और इसका भी यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स क्या है आपके पास, इसकी स्टेबिलिटी जो कि एरोमेटिसिटी गेन करने की वजह से आ रही है। तो आपको सबसे पहले यही केस समझना है कि रिमूवल ऑफ प्रोटॉन सिर्फ तभी होगा जब वहां पर सिस्टम में एरोमेटिसिटी गेन हो जाए, है ना, और रिएजेंट कंडीशन है बेस और एल्किली मेटल है। ऐसे ही और एग्जांपल्स हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट हैं, जैसे अगर मान लो मैं इस एग्जांपल की बात करता हूँ, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आपके पास क्या है OH, यहाँ पर आपके पास क्या है OH। देखो ये वाला एग्जांपल आपके पास क्या था, फर्स्ट एग्जांपल, सेकेंड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल, फिफ्थ एग्जांपल। अब मुझे बताओ फिफ्थ एग्जांपल में किस तरीके से करने वाले हो आप, बोलोगे सर यहाँ पर भी रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होगा H और H, तो बेस की कंडीशन में निकल सकते हैं यहाँ से, तो आपके पास यहाँ पर क्या जाएगा, डाई एनायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जो डाई एनायन का फॉर्मेशन होगा वो कैसे हो जाएगा, O- डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। बात क्लियर एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। जैसे और एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, देखो एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, एग्जांपल्स की कोई सीमा नहीं है। यहाँ पर आपके पास क्या है, H, 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 H। अगर मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 2 पोटेशियम लेता हूँ, दो मेटल लेता हूँ पोटेशियम के, तो आपको पता है एक बार H यहाँ से जाएगा और एक बार H यहाँ से जाएगा। जब आप H और H लेके जा रहे हो तो फाइनल आपके पास सिस्टम क्या बन के आएगा, माइनस और ये भी माइनस। तो ये सिस्टम इसमें क्यों कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि इसमें एरोमेटिसिटी आ रही है। लो एक और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, मैंने सारे जितने भी पॉसिबल एग्जाम्पल्स हो सकते हैं वो सभी लिख देता हूँ इस तरीके से है। फिर से यहाँ पर H, 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 और यहाँ पर क्या है, वही 2 पोटेशियम, या फिर सोडियम ले लो, कुछ भी ले लो। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ से H और यहाँ से H हटाओगे, तो आपके पास फाइनल कुछ ऐसा सिस्टम बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस। ये वाली मैं बातें कर रहा हूँ, मतलब जितने भी डिफरेंट एग्जांपल है सभी एग्जांपल्स में क्या रहा है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, या तो बेस कंडीशन में है या फिर आपके पास एल्किली मेटल है। तो ये आपके पास सारे एरोमेटिक सिस्टम बन रहे हैं। अब इस पूरे पर क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, इस पूरे पर क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है, या तो आपसे पीकेए ऑर्डर पूछ ले, मतलब सिंपल एसिडिटी कंपेयर करवा ले, या फिर आपसे रेट ऑफ हाइड्रोजन इवॉल्व पूछ ले, मतलब कि सबसे ज्यादा रेट ऑफ हाइड्रोजन इवॉल्व कहां होने वाला है, जहां पर एरोमेटिक ज्यादा होगी वहीं पर रेट ऑफ हाइड्रोजन इवॉल्व भी ज्यादा होगा। तो ये दो तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैं यहां पर थोड़ा सा मेंशन कर देता हूं यहीं पर कि एक तो आपसे पीकेए ऑर्डर पूछ सकता है, या तो एक आपसे रेट ऑफ
H2 इवॉल्व पूछ सकता है। तो ये दो तरह के सवाल बहुत ही फेमस सवाल होते हैं इस टाइप के रिएक्शंस पर। ठीक है, एक क्वेश्चन हम ऐसा ही देखते हैं और फिर हम सेकंड केस की बात करते हैं बाय रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक लीविंग ग्रुप। तो आइए अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन से। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताता हूं, फिर मैं आपको सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन की तरफ लेके चलता हूं। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, विच विल गिव H2 गैस ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम मेटल। साफ साफ बोला है कि सोडियम मेटल के साथ ट्रीटमेंट करने पर H2 गैस कौन देगा। देखो ये लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा, बाकी तो यहाँ पर साफ साफ मतलब यही है कि यहाँ पर क्या है बात करनी है आपसे, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन की बात करनी है। तो आप सबसे पहले सबके आप प्रोटॉन को यहाँ पर दर्शा लो। अगर आप सबके प्रोटॉन को दर्शा रहे हो तो सबके प्रोटॉन को रिमूव करते जाओ और आप देखो किस सिस्टम में एरोमेटिसिटी आ रही है। अगर आप यहां से रिमूव करोगे तो यहां माइनस आएगा, क्या इस सिस्टम में एरोमेटिसिटी आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही है। अगर आप यहां से रिमूव करोगे तो यहां पर इस सिस्टम में देखो फिर भी sp3 हाइब्रिडाइज रह जा रहा है। इस सिस्टम से हटाओ यहां पर नेगेटिव आ रहा है, तो देखो इस सिस्टम में आपके पास एरोमेटिसिटी आ रही है। तो हमने पढ़ा है कि जब रिमूवल ऑफ प्रोटॉन करते हैं और वहां पर H2 गैस रिलीज होती है वो तभी होती है जब एरोमेटिसिटी आ जाए। तो हम बोलेंगे ये वाला आपका आंसर हो जाएगा क्या, विच विल गिव H2 गैस ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम मेटल। तो हम बोलेंगे तो ये थर्ड है, अगर ये हम बोल सकते हैं फर्स्ट है तो ये हमारे पास सेकंड है, तो ये हमारे पास क्या है थर्ड है। जब थर्ड को हम ट्रीट करेंगे सोडियम मेटल के साथ तो ये क्या करेगा H2 गैस देगा। इस बात को ही बस आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन था। अब हम लोग सेकंड रिएक्शन की तरफ चलते हैं। सेकंड रिएक्शन क्या है, व्हाई रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक लीविंग ग्रुप। Why removal of nucleophilic leaving group? अब इसका मतलब समझो ध्यान से। सबसे पहले ये nucleophilic leaving group क्या होते हैं? तो अगर मैं nucleophilic leaving group की ही बात करता हूँ, एक तो ये सबसे पहले halogens हो सकते हैं, सबसे पहला standard case तो यही है हमारे पास। फिर यहाँ पर OTS हो सकता है, famous leaving group होता है। फिर ऐसे ही आपके पास OAC हो सकता है। मतलब मैं कुछ इन लिविंग ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ जिनका नेचर भी क्या है न्यूक्लियोफिलिक है। तो अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स लेके आऊँ तो सबसे पहला एग्जांपल्स ये ले लो, OTS है आपके पास यहाँ पर और यहाँ पर आप ले लेते हो CaCO3। तो यहाँ पर OTS जो होता है वो CaCO3 के प्रेजेंस में यहाँ पर किस तरीके का फॉर्मेशन कर देगा, यहाँ पर इस तरीके का फॉर्मेशन कर देगा। तो आप अगर देखोगे तो ये कुछ क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो चुका है। हमने ऑलरेडी पहले पढ़ चुका है क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हमने बनाए भी, लेकिन हम बस उसी चीज को थोड़ा सिस्टमेटाइज कर रहे हैं। तो ये क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन को कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एरोमेटिक, क्योंकि ये पूरे सिस्टम में क्या हो जाएगा आपके पास 2π इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और ये सिस्टम आपके पास एरोमेटिक बन जाएगा। एकदम अच्छे से क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ये वाली बात हो गई। अब हम थोड़ा सा ये बात करते हैं कि मान लो अगर हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए, यहां पर आपके पास फ्लोरीन है और यहां पर आप ले लेते हो SbF5। देखो पहले ध्यान से समझो, यहां पर जो आपके पास SbF5 है ये क्या है, एक लिविस एसिड है और ये फ्लोरीन कैरियर होता है। तो ये यहां से क्या कर लेगा, फ्लोरीन को कैरी कर लेगा अपने पास। तो आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आपके पास वही सिस्टम बन जाएगा। मतलब काम वही किया है पहले जैसा, बस तरीका थोड़ा सा अलग है। अरे यहाँ पर भी सिस्टम एरोमेटिक बन रहा है, बस थोड़े से अलग तरीके से सिस्टम को एरोमेटिक बनाया है। ऐसे ही मान लो अगर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं एक ही तरह का कंपाउंड लेके चल रहा हूँ, यहाँ पर आपके पास आई है और यहाँ पर आप ले लेते हो AgNO3। तो इस वाले केस में क्या होगा, तो AgNO3 में क्या होती है कहानी, Ag+ होता है। तो Ag+ होगा तो क्या करता है, एडमिन के साथ पहले लिंक करता है फिर प्लस आएगा, ऐसे ही आयोडीन यहां से बाहर निकल जाता है और फाइनली आपके पास कुछ ऐसा बन जाता है। अब वो बात अलग है कि सभी जितने भी ये पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज हैं इनके बगल में काउंटर आयन होगा, लेकिन हमें यहां पर काउंटर आयन पे ध्यान नहीं देना, हमें तो ये देखना है कि जो बनने वाली एरोमेटिक स्पीशीज है या नहीं है। तो ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक था और ये भी आपके पास एरोमेटिक है। तो ये सब एरोमेटिक स्पीशीज ही बन रही हैं। अगर ये बातें आपको समझ में आ रही हैं सारी की सारी, तो ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट तरीके के एग्जांपल्स हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैं एक एग्जांपल और लेता हूं कुछ ऐसा, यहां पर ऐसे है और यहां Cl है, अब सामने मैं ले लेता हूं इस बार AlCl3। अब इस वाले केस में भी क्या होगा, जो AlCl3 होता है वो लुईस एसिड होता है, यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल होता है, Cl का लोन पेयर इसके अंदर जाएगा तो Cl पर पॉजिटिव आएगा। किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव
स्टेबल नहीं होता है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे, तो फाइनली आपके पास एक ट्रोपिलियम कटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और जरा ध्यान से देखोगे तो ये सिस्टम कैसा है, सेक्सटेट है, तो हमारे पास यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक बन जाएगा। तो ये जितने भी आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, इन्हीं एग्जाम्पल्स को आपको समझना है किस तरीके से आप न्यूक्लियोफिलिक लिविंग ग्रुप को क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो। एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, ये हमने पहले पढ़ा भी है, अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो। यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, OAC ले लेते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं, HOSO2F ले लेते हैं, ऐसे पढ़ेंगे तो HCO3F होता है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन होती है और भी सारी कंडीशंस होती हैं, तो यहाँ पर ये OAC बाहर निकल जाता है और आपके पास कुछ ऐसा कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। अब याद करो इसके बगल में sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये कैसा कंपाउंड बन जाएगा, ये आपके पास होमो एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। भैया याद आया, अरे भैया एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम को बाईपास करके पूरे क्लोज लूप में क्या होता था, साइक्लिक कॉन्जुगेशन होता था, तो उसी को हम होमो एरोमेटिक कहते थे। तो ये सारी कंडीशंस हैं जहां पर आप रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक लिविंग ग्रुप से समझ सकते हो। ऐसे जब बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे तो हम उसको प्रैक्टिस करेंगे टाइम पे, लेकिन आपको समझ में आ चुका है कि जो दूसरी कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस है जहां पर अगर सामने रिजेंट हो जो लिविंग ग्रुप को रिमूव कर सके तो वो लीव कर जाते हैं और आपके पास एक एरोमेटिक सिस्टम फॉर्म हो जाता है। अब हम थर्ड कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस पे आते हैं जो कि है इलेक्ट्रोफिलिक प्रोटोनेशन। तो आइए अब हम बात करते हैं अपनी थर्ड कैटेगरी ऑफ रिएक्शन जो कि है बाय इलेक्ट्रोफिलिक प्रोटोनेशन। देखो अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक प्रोटोनेशन की बात करते हैं तो इसमें आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है जो बात बताने जा रहा हूं। इलेक्ट्रोफिलिक प्रोटोनेशन, सबसे पहले इसका मतलब समझना है। जो पिछला वाला केस है न्यूक्लियोफिलिक लिविंग ग्रुप का, यदि आपको थोड़ा सा बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म का आइडिया नहीं तो डिफिकल्ट लग रहा होगा। जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ लोगे तो सब ये बातें आपको बहुत ही आसान लगने वाली हैं, क्योंकि देखो जब पेपर दोगे तब आप सब कुछ कंप्लीट पढ़ा होगे, और जब कंप्लीट पढ़े होगे तो जब आप ये सब चीजें ये सवाल करोगे तो आपको लग रहा होगा बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म का ही पार्ट है। लेकिन हम एरोमेटिसिटी डील कर रहे हैं तो मैं सोच रहा हूं कि एकदम बेसिक से एकदम हाई लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट टच एक ही साथ हो जाएं, जिससे दोबारा आके अगर कभी कॉन्सेप्ट आए तो रिवाइज हो जाएगा। तो अगर मान लो मैं सबसे पहला एग्जांपल उठाता हूं, तो सबसे पहला एग्जांपल आपके पास कुछ ऐसा होता है, और यहां पर क्या है आपके पास H+ है, तो आपको पता है यहां पर क्या है ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंटर है, तो एरो का डायरेक्शन ऐसा होता है इस तरीके से। तो आपके पास जब ये फॉर्म होगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O H और यहां पर प्लस, और जैसे ही ये फॉर्म होगा ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रोनेगेटिव आ गया तो ये वाली बॉन्ड यहां पर मूव करेगी, और जैसे ही ये बॉन्ड यहां पर मूव करेगी तो आपके पास फाइनली ये वाला तस्वीर नजर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो आपके पास सिस्टम बना है क्या ये एरोमेटिक सिस्टम है या नहीं है, खुद देखो 2π इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो इसीलिए क्या है एरोमेटिक है। तो एक तो आपके पास तरीका ये हो सकता है प्रोटोनेशन का। अब मान लो अगर मैं दूसरे तरीके की बात करता हूं तो दूसरा तरीका आपके पास कुछ ऐसा है, यहां पर आपके पास OH है और यहां पर आपके पास H+ है, तो इस वाले केस में क्या होगा, आपके पास ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, यहां पर H+ है, ये इस पर अटैक करेगा तो यहां पर आपके पास फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, यहां पर आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा O+H2। देखो पहले OH पुअर लिविंग ग्रुप था, अभी गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया प्रोटोनेशन की वजह से, तो अब ये लीव कर जाएगा, और लीव करने का जो एकमात्र ड्राइविंग फोर्स रहा है वो इस सिस्टम की एरोमेटिसिटी रही है। जरा इस सिस्टम को गौर से देखो, क्या ये एरोमेटिक है, बिल्कुल, ये एक 2π इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और ये आपका एरोमेटिक सिस्टम है। तो आप दो तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक प्रोटोनेशन समझ सकते हो। इलेक्ट्रोफिलिक क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है, प्रोटोनेशन क्यों कह रहा है, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन के साथ जुड़कर वो प्रोटोनेट कर रहा है ऑक्सीजन को। ठीक है, ये वाली बात है। अब अगर मान लो अगले एग्जांपल की बात करते हैं तो अगला एग्जांपल आपके पास कुछ ऐसा है, यहां पे डबल बॉन्ड O इस तरीके से, और यहां पर क्या है आपके पास H+। बताओ इस वाले केस में कैसे होने वाला है। सिंपल सी बात है, अभी अभी हमने सीखी कि सर यहाँ पर ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, ये यहाँ पर जाने वाला है, तो जैसे ही ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पर जाने वाला है तो आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसा हो जाएगा इस तरीके से, और आपको पता है फिर अगले ही मोमेंट पे ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी और फाइनली आपके पास कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाएगा OH
यहाँ प्लस, यहाँ ऐसे, इस तरीके से। अब जरा आप इस इतने सिस्टम को पहचानो। अरे भाई बहुत अच्छे से पहचानो, क्या है सिस्टम ये? दो दो चार दो छः, छः पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो हम बोल सकते हैं आसानी से ये क्या है, एक एरोमेटिक स्पीसीज है। अगर ये एरोमेटिक स्पीसीज है, चलो बात समझ में आ गई। ऐसी मान लो अगर मैं एक और कंपाउंड की बात करता हूँ, तो एक और कंपाउंड हमारे पास कुछ ऐसा है। यहाँ पर क्या है, OH है, और यहाँ पर क्या है आपके पास, H प्लस है। तो अब आप बोलो सबसे पहले क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा। किसके साथ होगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ होगा। ये लो यहाँ पर करवा दिया हमने ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ। तो जैसे ही हमने प्रोटोनेशन करवाया, आपके पास क्या बन के आ जाएगा, आपके पास यहाँ पर O प्लस H2 बन जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और आपके पास एक एरोमेटिक स्पीसीज नजर आ जाएगी ट्रोपोलियम कटायन के फॉर्म में। क्लियर एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। एक बहुत ही प्यारा और स्टैंडर्ड एग्जांपल मैं उठाता हूं, वो एग्जांपल कुछ ऐसा है, देखना जरा ध्यान से। ये आपके पास क्या है, साइक्लोक्टाटेट्राइन है, सामने क्या है, H+ है। क्लियर है? अब देखो इस वाले केस में क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आप यहां शिफ्ट कर दो, तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करोगे, तो वैसे ही यहां पर क्या बन जाएगा, वैसे ही थोड़ा इज्जत से बनाते हैं, यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? अगर इलेक्ट्रॉन हमने शिफ्ट कर दिए, जैसे ही माइनस बना है, तो H प्लस आके इस पे चिपक जाएगा। तो फाइनली आपको जो दिखेगा, देखो मैंने एक स्टेप फालतू दिखा दिया है, लेकिन सिर्फ आपके समझाने के लिए, तो आपको यहाँ प्लस दिखेगा और यहाँ तो क्या जाएगा आपके पास, H और H। जरा इस सिस्टम को पहचानने की कोशिश करो, कौन सा सिस्टम है, क्या ये रिएक्शन होगी, सबसे पहले ये देखो। और क्या ये सिस्टम फॉर्म होगा, बिल्कुल फॉर्म होगा। यह आपके पास एक होमो एरोमेटिक सिस्टम है, और आपको पता है होमो एरोमेटिक सिस्टम भी स्टेबल होते हैं। तो अगर मैं आज लास्ट में एक बार पूरे ऑर्डर को कंपेयर करता हूं, तो आपको पता होना चाहिए एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, फिर होमो एरोमेटिक, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, और लास्ट में एंटी एरोमेटिक। ये आपके पास एरोमेटिकसिटी का कंप्लीट जितने भी डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स हैं उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर है। ठीक है, ये हमारी पूरी कहानी थी बाय इलेक्ट्रोफिलिक प्रोटोनेशन। अब हम बात करते हैं अपनी अगली कैटेगरी, बाय स्ट्रक्चरल चेंजेस इन प्रोडक्ट। तो अब हम बात कर लेते हैं बाय स्ट्रक्चरल चेंजेस इन प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास कंपाउंड है, ये मैंने शायद तीसरी बार बताने जा रहा हूँ पूरे एरोमेटिसिटी चैप्टर में, और ये सच में इंपॉर्टेंट भी है, तब तो अब तो आपको याद हो जाना चाहिए। ये 10 एनुलिन है, और 10 एनुलिन के सामने आपके पास पता ही है इस तरीके से बन रहा है, क्लियर एकदम अच्छे से। और नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक ये तो बात मानते हो ना यार, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में क्या होता है, डिपर्शन होता है। अरे भाई ट्रांस एनुलर हाइड्रोजन है, नाम भी देते हैं। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि इस सिस्टम में एरोमेटिसिटी ला सकते हैं अगर इनमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस कर दी जाएं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों पॉइंट को आप जोड़ दो, इन दोनों पॉइंट को जोड़ दो। उसके बाद क्या हो सकता है, ये एक स्पेशल तरीका होता है एजुलिन, जहां पर क्या करते हैं, थोड़ा सा रिंग चेंज कर देते हैं, एक 7 है और एक 5 इस तरीके से मिक्स करके, तो ये भी एरोमेटिक बन जाता है। और ये इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, बहुत ही स्पेशल बात हम लोगों ने जानी थी इसके बारे में। क्वासी एरोमेटिक का एग्जांपल भी होता है ये वाला। उसके बाद हम लोगों ने इसकी बात की, ये स्टैंडर्ड केस है जहां पर हमने क्या कर दिया, ट्रांस एनुलर सब्स्टिट्यूशन कर दिया। ये जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया है, इसी को हम बोलते हैं ट्रांस एनुलर सब्स्टिट्यूशन। मतलब ये सारी बातें अभी तक हमने पढ़ रखी हैं, लेकिन एक आखिरी बात है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट, कि हम लोग इसमें ट्रिपल बॉन्ड का भी इंट्रोडक्शन कर दे रहे हैं। अगर आप जरा ध्यान देखोगे तो यहां पर हमने ट्रिपल बॉन्ड लेके आ गए हैं, लेकिन सिर्फ एक टाइम पर एक ही डबल बॉन्ड के काउंट होंगे, रेजोनेंस में एक ही बॉन्ड जाएगी ट्रिपल बॉन्ड में से, दो इलेक्ट्रॉन यहां, दो इलेक्ट्रॉन यहां, दो यहां, दो यहां और दो यहां। तो अभी भी कौन सा है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये भी कौन सा है, एरोमेटिक है। तो मतलब ये कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, इनके आपके सामने लिखी हुई हैं, इनको नोट्स बना के याद कर लो कि हाँ स्ट्रक्चरल चेंजेस से भी प्रोडक्ट में चेंज हो सकता है। अब एक लास्ट बात और सीखते हैं, बाय एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आइए अब हम लास्ट केस डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे पास है बाय एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो हम लोगों ने एडिशन वाली कहानी तो समझ रखी है, लेकिन फिर भी एक बार हम रिवाइज करते हैं, और आखिरकार ये रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन से किस तरीके से एरोमेटिसिटी आ सकती है उसको भी देखना स्टार्ट करते हैं। आपके पास एक सिस्टम है इस तरीके से, ये आपको पता ही अच्छे से क्या है, ये साइक्लोब्यूटाडाइन, और ये सिस्टम आपके पास क्या होता है, एंटी एरोमेटिक सिस्टम होता है।
इतनी बात आपको एकदम अच्छे से पता है, ठीक है। अब अगर इस सिस्टम में हम लोग थोड़ा ध्यान से बातें समझें, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्या कर दें, फ्री रेडिकल होमोलिटिकली बॉन्ड ब्रेकिंग कर दें, इस तरीके से। आगे बात समझ में, अब जब हमने होमोलिटिकली बॉन्ड ब्रेकिंग कर दी तो यहाँ पर मेटल है और यहाँ पर दो मेटल हैं, तो दो मेटल दो इलेक्ट्रॉन तो देंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से आपके पास ही कैसा फॉर्म हो जाएगा, माइनस और माइनस। फिर से समझो, हम लोगों ने इस बॉन्ड में क्या किया, होमोलिटिकली बॉन्ड ब्रेक किया, एक और एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब मेटल है, मेटल दुनिया में क्या करने आया है, मेटल दुनिया में इलेक्ट्रॉन देने आया है, अब क्योंकि दो मेटल है तो दो इलेक्ट्रॉन देंगे, सिंपल सी बात है यार, तो जब दो मेटल है तो दो इलेक्ट्रॉन देंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो एक डॉट मिलकर माइनस और एक डॉट और एक और डॉट मिलकर माइनस, ये जो स्पीसीज बन रही है, तो इस स्पीसीज के साइड पे क्या रहेगा, K प्लस रहेगा, कुछ ऐसा आपके पास कंपाउंड आ जाएगा, और ये कंपाउंड आपके पास कैसा है, एरोमेटिक है, क्यों, दो तो चार और दो छह कंप्लीट कंजुगेशन है। ये बात होती है कि कैसे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से एरोमेटिसिटी आ सकती है। अब इसको लिखने के तरीके बहुत सारे हैं, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरीके से माइनस माइनस, या फिर हम अगर लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 माइनस, या फिर अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस बात को जरा ध्यान से देखिएगा, 2K प्लस। ये जो भी तरीके से मैं लिख रहा हूं, ये सारे तरीके से आप यहां पर इस कंपाउंड को लिख सकते हो, इस बात को आपको ध्यान देना है, और जनरली दिक्कतें बहुत सारे बच्चों को ऐसे होती हैं। एक तो ये तरीका हो गया। अब मान लो अगर मैं एक तरीके की और बात करता हूं, यहां पर आपके पास ऐसा था और यहां पर हम क्या लिख आ जाए, क्लोरीन लिख आ जाए। आपको पता है क्लोरीन एक नॉन मेटल है, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पर भी आपके पास होमोलिटिकली बॉन्ड ब्रेकिंग कर दें। जब होमोलिटिकली बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे तो आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा, डॉट डॉट, तो यहां पर आप 2Cl ले लो, तो एक Cl के पास चला जाएगा और एक Cl के पास चला जाएगा, तो आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, अरे भाई इससे क्या आ जाएगा, एरोमेटिसिटी आ जाएगा। कैसे, देखो जब आपने यहां पर डॉट हटाया तो आपके पास कैसा कंपाउंड फॉर्म हुआ, यहां से डॉट हटाया तो प्लस आ गया, यहां से डॉट हटाया तो प्लस आ गया, और साथ में 2Cl- भी तो होगा, Cl का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। तो जैसे आपने मेटल के केस में इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाया था मेटल से, वैसे ही नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ये जो स्पीसीज बन रही है, ये स्पीसीज कैसी हो जाएगी, एरोमेटिक। फिर से वही बात, इसको लिखने का तरीका और क्या हो सकता है, इसको लिखने का तरीका और प्लस प्लस लिख सकते हो, या फिर इसको लिखने का तरीका और आप कुछ ऐसे लिख सकते हो 2+, या फिर इसको लिखने का तरीका आप कुछ ऐसे लिख सकते हो 2Cl-। ये सारे ही तरीके आपके पास सही होते हैं, ठीक है। ये आपके पास पहली पॉसिबिलिटी हो गई, ये आपके पास दूसरी पॉसिबिलिटी हो गई। तीसरी पॉसिबिलिटी, अगर मैं मान लो इस रिएक्शन की बात करता हूं, बताओ इस वाले केस में क्या होने वाला है, इस कंपाउंड के साथ डबल बॉन्ड है और यहां पर है 2K, बताए मेटल है, अरे ऐड करेगा इलेक्ट्रॉन, तो अगर मेटल ऐड करेगा तो पहले क्या कर दो, होमोलिटिकली बॉन्ड ब्रेकिंग कर दो, तो होमोलिटिकली बॉन्ड ब्रेकिंग से आपके पास कैसा जाएगा कंपाउंड, कंपाउंड आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा, और देखो 2, 4, 6, 8 और 10, ये 10 पर इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और ये आपके पास कैसा बन जाएगा, एरोमेटिक बन जाएगा, क्लियर है। तो ये पास हमारे पास सारी बातें थी जो भी हम रिएक्शन से रिलेटेड आपको समझाना चाहते थे, और उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अब कुछ एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद ये हमारा लेक्चर खत्म। तो अब हम बात करते हैं इन दो क्वेश्चंस की, देखो ये क्वेश्चंस कैसे होने वाले हैं, इस चीज़ को ही समझते हैं, जरा ध्यान समझना। सबसे पहले आपके पास ये है, तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में किस तरीके से होगा इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पर आपके पास ये वाली रिंग में स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, तो ये वाली बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगी और Cl को एज अ गुड लीविंग ग्रुप बाहर निकाल देगी, ये ड्राइविंग फोर्स समझो। ये वाली बॉन्ड यहाँ पर इस तरीके शिफ्ट होगी और ये वाले को बाहर निकाल कर, जरा ध्यान समझना कैसे हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास प्लस आ जाएगा। तो अब आप मुझे खुद बताओ, क्या यहाँ पर ये 9-membered रिंग में फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा, एक एक्स्ट्रा मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो हम बोल सकते हैं ये जो Li है, Li क्या करता है, Li प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन देगा, और कितने इलेक्ट्रॉन देगा, दो इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये दो इलेक्ट्रॉन इस प्लस की पास चले जाएंगे, तो आपके पास यहां पर नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं यहाँ पर। अरे आ रहा समझ में क्या कर रहा हूं मैं, पहले तो खुद ही 8 था तो 8 को हम 9 में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 6 7, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 9, तो ये आपके पास फॉर्म हो जाएगा। देखो कार्बन को मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप माइनस कर दो, फिर अल्टरनेट पर आप क्या लेकर जाओ इस तरीके से डबल बॉन्ड लेके आ जाओ, बस ये आपके पास 9 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये पूरा का पूरा सिस्टम कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक बन जाएगा। तो ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जांपल था, ऐसे एग्जांपल आपको जब आप चीची-वेवन टाइप रिएक्शन पढ़ोगे तब वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे, जहां पर कार्बीन वगैरह के ऐसे क्वेश्चंस होंगे उस वाले केसेस में आपको देखने को मिल सकते हैं। इस वाले केस की बात करते हैं, ये आपके पास क्या है 2SB5SO2, देखो वही है सुपर एसिड होता ही है, यहाँ पर Cl का लोन पेयर है, इसके पास जाएगा Cl का लोन पेयर इसके पास जाएगा, तो Cl पर पॉजिटिव आएगा और Cl पर पॉजिटिव आएगा तो ये यहाँ से बाहर भाग जाएंगे, तो बाहर भाग जाने की वजह से आपके पास फाइनली कैसे फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ प्लस, यहाँ पर CH3, यहाँ पर प्लस। क्लियर है पॉइंट, ये वाली बात है जो मुझे आपको सुनानी थी, कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल थे ये वाले। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने रिएक्शंस रिलेटेड सारी बातें पढ़ी हैं, बहुत अच्छे से समझी हैं, एक एक पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि कब कब रिएक्शंस होंगी, कब कब नहीं होंगी, एरोमेटिसिटी किस किस तरीके से ला सकते हैं। अब हमारे पास एरोमेटिसिटी चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक बचा है, क्रैक्स रूल, और लास्ट टॉपिक है एनिहिलेशन इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनको आराम से बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।